रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने दिल्ली के भारत मंडपम में लगे रेलवे के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने बुलेट ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और रेलवे सुरक्षा को लेकर बड़े बयान दिए। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार से खास बातचीत की टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। गति मैदान में रेलवे का भी स्टॉल लगा है और काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ बताया गया है। दर्शकों का काफ़ी यहां जमावड़ा लगा है और सतीश कुमार जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं यहां पर पेवेलियन का उद्घाटन किया है। कई खास टेक्नोलॉजी यहां पर लगाई गई हैं और उस पुल के बारे में विशेष तौर पर जानेंगे क्या टेक्नोलॉजी है ये दर्शकों के लिए। एक पम्बन ब्रिज है जो कि ये नीचे लेवल पर जब ये ब्रिज रहता है तो इस पर से रेल पास हो जाएगी, परंतु जब हमारे शिप हैं जब आप देख रहे हैं यदि शिप को यदि यहाँ पे जाना है तो उस वक्त इसको पूरा उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत भारी, इसके अंदर सारी मैकेनिज्म लगी हुई है। उस वक्त इसको पूरा उठाया जाता है, जब पूरा ये उठ जाता है पूरा का पूरा, तो उसके अंदर फिर शिप पार करेगा और जब शिप चला जाएगा तो उसके बाद फिर गाड़ियाँ चलेंगी। तो ये एक पुराना वाला ब्रिज खराब हो गया था तो उस चक्कर में फिर उसको दोबारा हम लोगों ने नया बनाया और अब जो ये बहुत अत्याधुनिक ब्रिज बनाया गया है और ये पूरा हो चुका है। इसमें अभी सीआरएस सैंक्शंस, सीआरएस का इंस्पेक्शन अभी होने वाला है, उसके बाद बहुत जल्दी इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। बुलेट ट्रेन विशेष तौर पर उसका मॉडल भी दिखाया गया है अहमदाबाद मुंबई के बीच, ये कब तक तैयार हो जाएगा और उस पर क्या काम अभी तक हुआ? देखिए बुलेट ट्रेन पे कार्य चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से और इसमें सिविल इंजीनियरिंग वर्क बहुत प्रगति पे है। स्पेशली वापी और सूरत के बीच में करीबन 100 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो करीबन हम 2027 में हम लोग पूरा करेंगे और 2030 तक इस कार्य को पूरा करना है हम सब लोगों को। और जिस तरह से उस पर प्रगति चल रही है और बहुत ही इसके अंदर हर क्षेत्र में इसमें काम हो रहा है, ये इंजीनियरिंग मार्वल है जो कि बुलेट ट्रेन है। और जैसा कि पहला स्टेशन जो BKC का है वो आप देखेंगे तो करीबन 27 मीटर पे करीबन नीचे है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेलवे के लिए और भारत के लिए। वंदे भारत स्लीपर कोच की बात करें, ये भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, पिछले दिनों जानकारी भी मिली थी, ये कब तक आ जाएगा? क्योंकि यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी यात्रा को आरामदायक करने के लिए काफ़ी मददगार होगा ये जो विशेष प्रोजेक्ट है। देखिए ऐसा है कि जो वंदे भारत स्लीपर है ये अभी हम लोग 10 रेक बना रहे हैं और इसमें से एक रेक बन चुका है और एक रेक जो बनने के बाद उसका अब टेस्टिंग पे काम चल रहा है और करीबन 3 माह लगेंगे इसको टेस्टिंग के लिए। उसके बाद बाकी के 9 रेक बनाए जाएंगे, फिर इनके बाद जैसे 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 ये बनते जाएंगे उसके बाद फिर इनको सेवा में दिया जाएगा। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं, जो आपने एक मॉडल देखा है नमो भारत का, वो अभी हम लोगों ने जो दूसरा रेक है उसका 145 KMPH पे उसको प्रूव आउट किया है। तो अब जो नमो भारत जो अब आगे चलेंगी वो 130 KMPH इसकी स्पीड से चलेंगी। वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुज और अहमदाबाद के बीच एक ट्रेन का उद्घाटन किया था पिछले माह और उसी वही ट्रेन अभी करीबन 110 की स्पीड पर चलती है। अब हम उसको जल्दी से उसको 130 की स्पीड से अपग्रेड कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो 300 किलोमीटर के बीच के जो हमारे शहर हैं उनको कितनी हाई स्पीड से हम लोग यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। सर, हाल के दिनों की घटनाओं के मद्देनज़र रेलवे सुरक्षा पर क्या फोकस किया गया है, उसको लेकर एक दृष्टिकोण? देखिए रेलवे सुरक्षा के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं, हर इशू को हम लोग समझने की पूरा कोशिश कर रहे हैं, सभी पे एक्शन लिया जा रहा है। जो जो मूलभूत चीज़ें हैं सेफ्टी में, जितने भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फंड्स की व्यवस्था की गई है। हम लोग कवच के ऊपर अभी काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने कवच 4.0 का टेस्टिंग ट्रायल पूरा हो गया है और उसको बहुत तेज़ी से लगाया जा रहा है। करीबन हम लोग कवच के लिए करीबन 10,000 लोकोमोटिव इसमें लगाने का हम लोग जल्दी इस पर इसका LAO जारी होगा। उसके बाद जो जो ट्रैक साइड वर्क है जिसमें कि हम न्यू दिल्ली मुंबई और न्यू दिल्ली हावड़ा है वो भी हम दिसंबर 25 तक कर लेंगे। तो यदि आप टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो जल्दी ही हम लोगों को एक बहुत जो हमारा जो सेफ्टी से रिलेटेड जो जो कवच है जो कि हमको पूर्णतया से सेफ्टी देता है, स्पेशली ऐसे स्थितियों में जहाँ पे सिग्नल जो है ड्राइवर पार कर सकता है कभी डेंजर पे, तो उन सब चीज़ों को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भारतीय रेलवे को और बढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद।
धन्यवाद बात करने के लिए। और रेलवे पवेलियन जो कि प्रगति मैदान में और लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है, इसी के साथ रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, सुरक्षा के जुड़े हुए मानकों को लेकर भी रेलवे बोर्ड चेयरमैन जो सतीश कुमार हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रगति हुई है रेलवे के क्षेत्र में उनका ब्यौरा वो दे रहे थे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।